छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मतगणना में हेर फेर का डर इस कदर सता रहा है कि हर दूसरे दिन एक शिकायती पुलिंदा लेकर कांग्रेस निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंच रही है। सोमवार को भी निर्वाचन आयोग के दफ्तर में कांग्रेस ने मतदान के बाद बूथवार आंकड़े दिए जाने की मांग की। 1% से कम के वोटिंग परसेंटेज से लगातार 3 दफे विपक्ष में बैठने के बाद कांग्रेस को इस बार वोटों में हेरफेर का डर सता रहा है। लिहाजा हर दूसरे दिन एक शिकायती पत्र लेकर कांग्रेस निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंच रही है। रायपुर ही नहीं, दिल्ली निर्वाचन आयोग में भी कांग्रेस अपने मांग पत्र सौंप चुकी है। अपनी शिकायत को लेकर निर्वाचन आयोग पहुंचे अमरजीत भगत ने आरोप लगाया कि उन्हें मतदान के बाद बूथवार आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं। उन्हें डर है कि मतदान के आंकड़ों में हेर फेर ना कर दे, लिहाजा उन्होंने मांग की है आयोग उन्हें बूथवार आंकड़ों की जानकारी शीघ्र दें। निर्वाचन आयोग के द्वारा बार बार मांग करने के बाद भी वहाँ पर जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका निराकरण नहीं किया जा रहा है। पहले हम लोगों ने जो मतदान कर्मी मतदान कराने गए थे उनको पोस्टल बैलेट उपलब्ध नहीं किया कराया जा रहा उसके बारे में था। आज का हमारा जो कंप्लेंट है कि मतदान केंद्रवार कुल पड़े मतदाता महिला एवं पुरुष उसका टोटल योग कितना है उसका डाटा की मांग हम लोगों ने किया है, लेकिन बार बार जिले में जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके द्वारा यह कह करके टाल बहाना किया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग का जब तक हमको अनुमति प्राप्त नहीं होगा तब तक हमें डाटा उपलब्ध नहीं करा सकते। शिकायत के साथ ही अमरजीत भगत ने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही है, लिहाजा उसे प्रभावित करने का हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। देश टीवी के लिए एम कोरलैया के साथ निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।